हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से किसकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की क्लास में। हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के सिलेबस को तीन पार्ट में क्लासिफाई किया था। मेजरली तीन पार्ट क्या थे, कि पहला पार्ट जो मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट था उस पे टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस के, दूसरा पार्ट था मेरा क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस, तीसरा एडवांस कंडक्टोमेट्रिक थ्योरी और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वाले पार्ट थे। पहला पार्ट हमने बहुत अच्छे से खत्म कर लिया, न्यूमेरिकल्स भी देख लिया कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेएम में और नेट के गेट के एग्जाम में। अब हम जो दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं जिससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं हर एग्जाम में, वो पार्ट देखने वाले हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगले पार्ट के पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस। क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस? ठीक है, देखो कंडक्टेंस बेसिकली कंडक्टेंस कौन सा वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक कोरिलेशंस वाला। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस वाला फैक्टर्स देखने वाले हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को अफेक्ट करने वाले हैं। देखो मेजरली सबसे बड़ी बात है कि भैया जो मेरा चार्ज कैरियर है, चार्ज कैरियर उस पर ये डिपेंड करेगा कि भैया ये चार्ज कैरियर क्या है, क्या इसके साथ फिनोमेनाज हो रहे हैं, इसके बेसिस पर डिपेंड करेगा कि क्या मेरे फैक्टर कैसे अफेक्ट हो रहे हैं। अब चार्ज कैरियर में दो चीजें, चार्ज कैरियर किससे बना है, कि चार्ज को ले जाने वाला, और एक जो चीज चार्ज को ले जा रही है वो कितनी है और चार्ज को कितनी स्पीड से ले जा रही है। तो दो चीज बनती हुई है, एक चीज क्या नंबर ऑफ आयंस और दूसरा क्या बनता है मोबिलिटी ऑफ आयन। क्या बनता है मोबिलिटी ऑफ आयंस। और मेजरली मैं बात करूं कि भैया यही दोनों फैक्टर हैं जो ओवरऑल क्या डिसाइड करेंगे कि भाई मेरा क्या क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाले मेजरली फैक्टर यही होगा कि फैक्टर्स तो क्या क्या है, नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस। जो जो चीज नंबर ऑफ आयंस या मोबिलिटी ऑफ आयंस को इफेक्ट करेगी वो मेरे किसको इफेक्ट करेगी, भाई मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट करने वाली है। आओ देखते हैं कि क्या क्या चीज है भाई वो जो मेरे नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस को इफेक्ट करने वाली है। तो सबसे पहली बात मैं बात करता हूँ कि भैया नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस पर कंडक्टेंस कैसे डिपेंड करता है, फिर देखेंगे इन पर ये और चीजों से कैसे इफेक्ट होंगी। पहले मैं देखता हूँ कि भैया मेरा नंबर ऑफ आयंस है, तो मेरा कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। भाई सोचो चार्ज कैरियर ज्यादा तो ज्यादा कंडक्टेंस होगा ना। सिमिलरली दूसरी बात है कि भैया मेरा मोबिलिटी ऑफ आयन, अगर मेरी मोबिलिटी ऑफ आयन ज्यादा तो मतलब आयन की स्पीड ज्यादा, आयन फिक्स जाएंगे, अगर ये इंक्रीज करेगा तो मेरा कंडक्टेंस क्या करेगा भैया इंक्रीज करेगा। मतलब चार्ज क्या बोल, मैं बोल सकता हूँ कि भैया मेरा नंबर ऑफ आयन भी बढ़ेंगे तो भी कंडक्टेंस बढ़ेगा, और मोबिलिटी बढ़ेगी तो भी कंडक्टेंस बढ़ेगा। आओ देखते हैं कि भाई इनमें क्या फिनोमेना है। सबसे बड़ी बात है कि इनमें से कोई एक भी बढ़ रहा होगा और दूसरा क्या होगा कॉन्स्टेंट रहे तो भी मेरा क्या बढ़ेगा कंडक्टेंस बढ़ेगा। देखो बहुत अच्छी बात है कि चलो ठीक है, मेरे पास दो केस है कि भैया नंबर ऑफ आयंस जो है, पहला केस क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस, केस नंबर एक नंबर ऑफ आयंस बढ़े, ठीक है, और जो मेरी मोबिलिटी है दूसरा फैक्टर क्या है मोबिलिटी, ये मेरी क्या है कॉन्स्टेंट रही। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ गई मोबिलिटी कॉन्स्टेंट रही तो मेरा कंडक्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस बात करूं मैं कंडक्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा। दूसरी बात करूं मैं क्या दूसरा केस बनेगा कि भाई मेरा नंबर ऑफ आयंस तो सेम ही है पर मेरी इस बार क्या होगी मोबिलिटी बढ़ गई, क्या होगी मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज कर दी। जब मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज कर दी तो ओवरऑल इफेक्ट इसका भी क्या होगा कि भैया मेरा कंडक्टेंस जो है सी या जी जिससे भी नोट कर रहा सी या जी वो बढ़ जाएगा। पर मेरे पास इधर आओ तीसरा केस क्या बनता है जो इंपॉर्टेंट है कि भैया अगर दोनों बढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हो और मोबिलिटी भी बढ़ रही हो तो क्या होगा, तो कंडक्टेंस प्योरली इंक्रीज करेगा। कंडक्टेंस क्या होगा इंक्रीज कर रहा है, जो सी या जी से डिनोट कर रहा हूं दैट इज कंडक्टेंस बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डी केस बनता है कि क्या नंबर ऑफ आयंस भी मेरे बढ़ रहे हो घट रहे हो सॉरी और मोबिलिटी भी घट रही हो, क्या
मोबिलिटी भी घट रही हो तो कंडक्टेंस सीधा फर्क पड़ेगा, कंडक्टेंस मेरा घट जाएगा तो भैया दोनों ही फैक्टर क्या है कंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आओ देखते हैं कि और अगला केस बनता है क्या। अगले दो केस मेरे पास ये बनेंगे कि सोचो नंबर ऑफ आयंस को पढ़ रहे हैं और मोबिलिटी क्या हो रही हो, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो रही हो, घट रही हो। या दूसरा केस बने कि नंबर ऑफ आयंस तो घट रही हो और मेरी मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या, मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या हो रही हो, बढ़ रही हो, तो मेरा ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। देखो नंबर ऑफ आयंस के बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, और मोबिलिटी ऑफ आयंस की बढ़ने की वजह से घटने की वजह से कंडक्टेंस घटना पड़ना चाहिए था। यानी एक फैक्टर बढ़ा रहा है और एक फैक्टर घटा रहा है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। हमेशा याद रखेंगे कि नंबर ऑफ आयंस मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ आयंस मोर डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस केस में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो मोर डोमिनेटिंग फैक्टर बढ़ा रहा है कंडक्टेंस को, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, कंडक्टेंस बढ़ेगा। इसमें नंबर ऑफ आयंस मोर डोमिनेटिंग फैक्टर है जो कि घट रहा है, इसलिए कंडक्टेंस ओवरऑल क्या होगा, घट जाएगा। तो एक नोट डालेंगे कि नंबर ऑफ आयंस इज डोमिनेटिंग या मोर डोमिनेटिंग फैक्टर10 ml, 100 ml, ये कितना है
वन मोलर और सोएल। सोचो इसके कितने मिलीमोल्स बने होंगे HCl के, यहाँ HCl के मिलीमोल्स कितने बने होंगे, 100 × 10 यानी 10 मिलीमोल्स, कितने मिलीमोल्स बने होंगे, 10 मिलीमोल्स बने होंगे। यहाँ CH3CH के कितने मिलीमोल्स बने होंगे, 10 मिलीमोल्स बने होंगे। पर HCl कंप्लीटेड हो जाएगा H प्लस प्लस Cl माइनस में, जबकि CH3CH माइनस नहीं टूट पाएगा कंप्लीटली CH3CO माइनस प्लस H प्लस में। ये कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अकॉर्डिंग टूटेगा। यहाँ 10 मिलीमोल HCl के, तो एट टाइम की जब रिएक्शन होगी होगी तो इसका जीरो बचेगा और इसके जहाँ जीरो जीरो थे वो 10 10 बन जाएंगे, यानी टोटल आयंस केस में कितने मिलेंगे, 20 आयंस मिलेंगे। इस केस में मुझे कितने आयंस मिल जाएंगे, 20 आयंस मिल जाएंगे, 20 आयंस मिल जाएंगे। जबकि यहाँ भी सेम कंसंट्रेशन है, सेम वॉल्यूम है, 10 के 10 मिलीमोल्स 10 CH3CH- नहीं दे सकते या 10 H+ नहीं दे सकते। क्या होगा इस केस में, कुछ 8 बचेंगे, 10 माइनस 2, सिर्फ 2 डिसोसिएट होंगे और ये कितने बनाने हैं, 2 ये 2 ये, तो इसमें कितने आयन मिलेंगे, टोटल 4 आयंस। ओनली इस केस में कितने आयंस होंगे, 4 आयंस होंगे। देखो इसमें कितने आयंस होंगे, 20 आयन, और 20 आयन नंबर ऑफ आयन इस केस में बहुत ज्यादा है, 20 चार्ज से बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे अगर सेम कंसंट्रेशन हो HCl और CH3COH की, ठीक है, तो हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। तो मैं बोल सकता हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ग्रेटर वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, देन वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और क्या है कि प्रोवाइडेड, क्या होगा भैया कि अगर कंसंट्रेशन होनी यहां होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्रोवाइडेड सेम कंसंट्रेशन, सेम कंसंट्रेशन ऑफ दोनों की कंसंट्रेशन यहां होनी चाहिए या सेम होनी चाहिए, तभी ये केस वैलिड होगा भाई। अगर सेम कंसंट्रेशन नहीं होगी, सोचो ऐसा केस हो कि मुझे HCl मिले, ठीक है, और ये कितना हो, 0.01 मोलर हो, ठीक है, और क्या हो, और क्या हो, सोएल हो, और वहीं मुझे CH3COH मिल जाए और वो कितना हो, 1 मोलर हो और इतना मिले 100 एमएल, ठीक है। तो यहां मिलीमोल्स कितने बनेंगे, 1 मिलीमोल। अरे टूटेगा भी तो H+ Cl- में, किसमें H+ Cl- में भी, तो कितने बना पाएगा, एक अरे एक H का एक Cl का, तो टोटल 2 आयन बना पाएगा, 2 आयन, जबकि यहां वही कंसंट्रेशन है, यहां पे से 10 मिलीमोल बन गई, और जब टूटेगा CH3CO- प्लस एच प्लस में ये क्या बनाएगा, 8 बन जाएगा, तो 2 बन दो, यहाँ 4 आयंस हो गए, और इस केस में कितने आयंस बचे, 2 आयंस। तो इस केस में CH3COH का कंसंट्रेट क्या क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्यादा आयंस है, क्योंकि इन दोनों की कंसंट्रेशन में बहुत फर्क है, यहाँ कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो सेम कंसंट्रेशन पर ही कंपैरिजन होंगे, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर कंपैरिजन नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई जब भी मेरा केस आएगा तो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस बहुत ज्यादा मानकर चलूंगा, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट से, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। अब अभी बात करते हैं भैया, ये तो हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर या मेरे कंडक्टेंस की डिपेंडेंसी या कंडक्टेंस कैसे इफेक्ट करता है। अगला इफेक्ट देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, भैया टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है मेरे कंडक्टेंस। कौन से कंडक्टेंस को, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात है, सारी बातें किसकी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, ठीक है। दूसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के, ठीक है, टेम्परेचर में इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर के इफेक्ट पर ये देखो, टेम्परेचर बेसिकली जनरली अगर मैं बात करूं टेम्परेचर मुझे क्या बताता है, अगर मैं बी को स्ट्रॉन्ग का अलग अलग एक्सपेक्ट लूँ, क्या लूँ, अलग अलग एक्सपेक्ट लूँ, देखो वैसे जनरली टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं मेटलिक कंडक्टेंस, पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं फिर रीजन एक्सप्लेन करता हूं। मेटलिक कंडक्टेंस जो होता है टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, कंडक्टेंस कम होता है, कौन सा वाला, मेटलिक वाला जो हम सॉलिड्स में पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन्स में हीट एनर्जी बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा हीट होने लगते हैं कंडक्टर, और क्या मेरा कंडक्टेंस क्या होने लगता है, कम होने लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से। पर हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की,
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के केस में क्या होता है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है ना कि घटता है। कैसे बढ़ता है इसको हम देखते हैं, जानते हैं कि भाई अगर मेरा केस वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा तब क्या होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा तो कम क्या होगा। देखो कैसे बढ़ता है, मैं मेजरली बता दूंगा। जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोबिलिटी बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। देखो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है। अब पहले स्ट्रॉन्ग का देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग में टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, NaCl giving Na plus plus Cl minus, ये है मेरे पास। सोचो मेरे पास Na plus जितना है उतना completely dissociated हो गया है, Na plus और Cl minus माने कि एक मोल है तो ये 0 0, तो at time t पर इसके 0 बनेंगे इसके बनेंगे, यानी completely dissociated होता है। चाहे कोई टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो क्या हो, NaCl completely dissociated हो जाएगा तो complete क्या आएगा इसका कोई अल्फा वन नहीं होगा, क्या always, क्या always। तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस तो यहाँ नहीं बढ़ेंगे, क्या नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो नहीं बढ़ेंगे, पर इस केस में क्या होगा मोबिलिटी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ जाएगा मोबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि भैया टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी तो अभी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोबिलिटी बढ़ेगी और मोबिलिटी बढ़ेगी तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। पर क्या हो अगर केस हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है मान लिया CH3CO है, ये किसका बनेगा CH3CO- H+ बनेगा, ठीक है। जैसे CH3CO- का केस आएगा ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका डिसोसिएशन करूंगा ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपको पता है कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती है तो क्या होगा, ये ज्यादा डिसोसिएट होगा, ये ज्यादा इधर जाएगा, ज्यादा CH3CO- होंगे और ज्यादा ही H+ होंगे, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ते हैं और दूसरा मोबिलिटी तो बढ़ती ही बढ़ती है, सेम केस काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मोबिलिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ रहे हैं मोबिलिटी भी बढ़ रही है तो कंडक्टेंस तो ओवरऑल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर अब हमारे पास दो केस बनते हैं कि भैया मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कर लिया, टेम्परेचर बढ़ाया, यहाँ नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़े, क्या बढ़ा मोबिलिटी बढ़ी और कंडक्टेंस बढ़ गया, यहाँ नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए मोबिलिटी भी बढ़ गई कंडक्टेंस बढ़ गया, यहाँ दो फैक्टर है यहाँ एक फैक्टर है, तो आप सबको क्या लग रहा होगा कि भैया जो कंडक्टेंस हो गया वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस केस में ज्यादा हो गया, पर ऐसा नहीं है भाई, कभी भी नहीं होगा। ये क्या है, ये कितना ही बढ़ ले पर इसके नंबर ऑफ आयंस इससे तो कम ही रहेंगे, रेन तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट है और टेम्परेचर से मोबिलिटी तो बढ़ ही रही है ठीक है, मतलब अल्फा बन तो नहीं हो पाएगा ना इस केस में, बहुत रेयर ऑफ रेयर चांसेस होते हैं बन हो पाए ठीक है, कोई नहीं क्या हो गया इनफाइनाइट वाला केस है, नॉट डिटरमाइंड केस है, तो बन तो नहीं हो पाएगा भैया अल्फा इसका, अल्फा तो बन भी नहीं हो पाएगा, वन से हमेशा कम ही रहेगा चाहे कितना ही रहे ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ आयंस हमेशा ज्यादा रहेंगे ठीक है। तो हम करेंगे अगर बात करेंगे फाइनल वैल्यू की, फाइनल कंप्यूटेशन की, फाइनल वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑलवेज, चाहे ये कितना दो फैक्टर भले ही हो इसके पास, दो फैक्टर भले ही हो पर मुझे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस हमेशा ही ज्यादा होगा किससे, वीक इलेक्ट्रोलाइट, इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट से, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम गिवन है, क्या करें कंसंट्रेशन सेम ही रहता है, ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे, हमेशा दिमाग में ये बात रखेंगे ठीक है। तो ये बात हमें देख लिया कि इफेक्ट टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पर और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर, लेकिन ओवरऑल कंडक्टेंस तो भैया स्ट्रॉन्ग का ही ज्यादा हो अगर क्या है दोनों का टेम्परेचर वो कंसंट्रेशन सेम ही रहे। आओ अब अगला फैक्टर पढ़ते हैं भैया, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ आयन, क्या बनेंगे थर्ड फैक्टर, थर्ड फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ आयंस, ये आयंस के साइज के होने की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है, आयनिक साइज का हम इफेक्ट देखते हैं भैया। देखो
अब मैं बात करूं कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट या कैटायन या जो भी एनायन होगा बेसिकली उसका साइज क्या डिपेंड है। आपको एक बात पता है कि भैया साइज जितना छोटा उतनी उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है और मोबिलिटी ज्यादा मतलब सोचिए एक डब्बे में 50 मॉलिक्यूल है, अब 50 बड़े बड़े साइज के मॉलिक्यूल है तो वो आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे को रोकेंगे भाई उनकी मोबिलिटी इंक्रीज होगी। वहीं वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं तो आराम से मूव कर जाएंगे और उनकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि साइज छोटा तो मोबिलिटी ज्यादा और मोबिलिटी ज्यादा तो कंडक्टेंस ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। कि साइज अगर मेरा बड़ा तो कंडक्टेंस मेरा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कंडक्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है, क्योंकि मोबिलिटी कम हो जाएगी। अब देखते हैं अब मेरा आयंस भाई दो तरीके का हो सकता है, आयंस दो स्टेट में हो सकता है बेसिकली मैंने बताया था। और आयंस में हम दो तरीके का काम करते हैं क्या, एक एक्वस स्टेट में हो सकता है और दूसरा मेरा किस स्टेट में हो सकता है मोल्डर स्टेट में हो सकता है, मोल्डर स्टेट या बोल सकते हैं गैसीय स्टेट में। बात कर दूं मैं कि एल्कली मेटल्स की बात कर लूं कि कुछ आयंस की बात कर लूं कि अगर मैं इस केस में साइज का ऑर्डर देखूं ये एक्वस है, ये भी क्या है एक्वस, ये भी एक्वस, तो साफ से अलग ही समझा जो चल रही और ये कौन सी है गैसियस स्टेट और ये एक्वस स्टेट, ये कौन सी स्टेट है एक्वस स्टेट ठीक है। आओ अब बात करते हैं भाई क्या कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं हम कि भाई इधर मेरा क्या है एक्वस स्टेट है और इधर की कौन सी स्टेट है मोल्डन स्टेट है। अगर मैं लिखूं देखो मैं एटम क्या लिखता हूं आयंस लिथियम पॉजिटिव या आगे इसके सीसे में लिख सकते हैं बस चार का ही कंपैरिजन कर लो तरह की बात है K प्लस R B प्लस C S प्लस तो लिख लो सीसे में इधर भी लिख लो R B प्लस और C S ठीक। अब वो तो मोल्टन स्टेट में ये सब कौन से स्टेट में एक्वस, कौन से स्टेट में एक्वस, कौन से स्टेट में एक्वस, कौन से स्टेट में एक्वस। आपको फजान बाबा बहुत अच्छे से याद होंगे, फजान बाबा क्या कहते थे कि भैया याद होगा क्या, देखो अगर मैं साइज की बात करूं मोल्डन स्टेट के साइज की बात करूं साइज के ऑर्डर की बात करूं तो आपको पता है भैया कि लिथियम पीरियोडिक टेबल में सबसे ऊपर आता है और डायमंड ग्रुप एटॉमिक और आयनिक रेडियस होती हैं इंक्रीज करते हैं ठीक है। तो लिथियम सबसे छोटा होगा ठीक है और फिर सोडियम उससे बड़ा फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम फिर सीसियम ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा आ जाएगा सीसियम, सीसियम का साइज क्या सीसियम का साइज सॉरी सबसे बड़ा आ जाएगा, सीसियम का साइज क्या हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा ए प्लस एन ए प्लस और एल आई प्लस। वही बात करूं मैं सीसियम का साइज सबसे बड़ा तो क्या होगा सीसियम का साइज सबसे बड़ा तो भैया इसकी मोबिलिटी सबसे कम तो कंडक्टेंस का ऑर्डर उल्टा, कंडक्टेंस की अगर ऑर्डर की बात करूं कंडक्टेंस का ऑर्डर की बात करूं तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा साइज सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा भैया सीजियम, सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा है सीजियम का तो सबसे कम कंडक्टेंस किसका हो जाएगा सीजियम का तो कंडक्टेंस का ऑर्डर ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा एल आई प्लस का कंडक्टेंस सबसे ज्यादा एन ए प्लस का उससे कम के प्लस का उससे भी कम आर बी प्लस का उससे भी कम और सीजियम का उससे भी कम ही ऑर्डर हो जाएगा कंडक्टेंस का। पर वही बात करूं मैं अपने एक्वस स्टेट की तो एक्वस स्टेट के बारे में एक बात तो आप जानते हैं क्या एक्वस स्टेट
स्टेटमेंट फजान को याद होगा, ये कौन से मेटल्स हैं? एल्कली मेटल्स हैं, और एल्कली मेटल्स को जब एक्वस में डालते हैं तो इनका क्या होता है? हाइड्रेशन होता है। और फजान ने एक चीज बोली थी कि भैया जितना छोटा कैटायन लिथियम प्लस सबसे छोटा, उसका हाइड्रेशन उतना ज्यादा, यानी अगर इससे वाटर मॉलिक्यूल चिपकने स्टार्ट होंगे तो भैया इतने ज्यादा चिपक जाएंगे कि जो इसका इफेक्टिव साइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इफेक्टिव साइज हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पता है आपको सबसे बड़ा साइज लिथियम प्लस एक्वस का ही होगा, किसकी वजह से? हाइड्रेशन की वजह से, किसकी वजह से? हाइड्रेशन की वजह से। और उससे छोटा Na प्लस एक्वस, और उससे छोटा A प्लस एक्वस, और उससे छोटा रुबिडियम प्लस एक्वस, उससे छोटा सीजियम प्लस एक्वस। ठीक है, तो एक बात यहां से समझ में आ गई कि भैया सबसे बड़ा साइज लिथियम का, तो इसकी कंडक्टेंस सबसे कम। अगर मैं कंडक्टेंस का ऑर्डर देखूं तो सबसे कम कंडक्टेंस किसका आएगा? लिथियम प्लस एक्वस का कंडक्टेंस सबसे कम, उससे ज्यादा है Na प्लस का, और सबसे ज्यादा की बातें करेंगे, और सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सीजियम प्लस एक्वस का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सीजियम प्लस एक्वस का। सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? सबसे ज्यादा इससे हो रहा है सीजियम का कंडक्टेंस। देखो यहाँ भाई आयंस के स्टेट की बात चेंज होने से भी मेरा कंडक्टेंस क्या हो गया भैया? बदल गया। आयंस के स्टेट के चेंज होने से ही कंडक्टेंस बदल गया। अगर हम मोल्टन स्टेट में है तो सीजियम का सबसे कम कंडक्टेंस, वही एक्वस स्टेट में है तो सीजियम का सबसे ज्यादा कंडक्टेंस होगा। ठीक है, यानी देखो अगर मेरी स्टेट गिवन होगी, मुझे मोल्टन स्टेट गिवन है, क्या गिवन है भैया? मोल्टन स्टेट गिवन है, क्योंकि साइज फजान का अकॉर्डिंग क्या होता है? चार यूनिट, चार डेंसिटी होता है ना, चार क्या होता है? चार्ज वाई वॉल्यूम, चार डेंसिटी से डिफाइन करते हैं, और चार डेंसिटी क्या होती है? चार्ज वाई वॉल्यूम होता है। तो इसकी इसमें इफेक्टिव साइज बढ़ जाता है, इसका लिथियम का इफेक्टिव साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अगर एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, नोट डाल के लिख लेंगे कि अगर मुझे स्टेट गिवन है कि मोल्टन स्टेट में पूछ रहा है तो ये ऑर्डर लेकर आएंगे, मोल्टन स्टेट गिवन है तो इधर वाला ऑर्डर लेकर आएंगे, ये ऑर्डर लेकर आएंगे। ठीक है, तो मोल्टन स्टेट का ऑर्डर गिवन है, लेकिन अगर मुझे उसने स्टेट मेंशन नहीं की है तो हमेशा कौन से स्टेट को मानेंगे? एक्वस स्टेट को ही मानेंगे। कौन से स्टेट को मानेंगे? एक्वस स्टेट को ही मानेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग ऑर्डर लेकर आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ये साइज या इफेक्टिव साइज ऑफ आयन, ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ आयन, बल्कि इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ आयन बोलोगे तो और भी बेटर रहेगा। क्या? इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ आयन से। ठीक है, बहुत अच्छा हो गया, हमने तीसरा फैक्टर पढ़ लिया। आओ हम अब अपना अगला फैक्टर, ठीक है, सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ इज सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट। क्या होता है सॉल्वेंट एक्सेलरेशन? देखो सॉल्वेंट एक्सेलरेशन इफेक्ट क्या होता है कि कोई आयन है, ठीक है, और उसी का पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसको और क्या नाम बोलते हैं? इसका और नाम भी होते हैं भाई, सक्सेसिव प्रोटॉन ट्रांसफर। इसको क्या बोलते हैं? और नाम भी है इसके, सक्सेसिव प्रोटॉन ट्रांसफर, इसी का नाम है सक्सेसिव प्रोटॉन ट्रांसफर। अगर नहीं सुना होगा वो भी इसी का नाम है, और लिख सकते हैं इसका ये बोल क्या होता है, इसको ही बोलते हैं एक्सेप्शन बिहेवियर ऑफ, एक्सेप्शन बिहेवियर ऑफ एनी आयन इन इट्स, क्या होता है? इन इट्स सॉल्वेंट। क्या बोल सकते हैं? इन इट्स
या बोल सकते हैं इट्स या सक्सेसिव प्रोटॉन ट्रांसफर या एक्सेप्शन बिहेवियर ऑफ एनी आयन ऑफ सॉल्वेंट इन देयर रेस्पेक्टिव सॉल्वेंट। और इस सॉल्वेंट की नेचर का होना चाहिए ये पोलर प्रोटिक नेचर का। इसका नेचर का होना चाहिए पोलर प्रोटिक नेचर का होना चाहिए, यानी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में ही ये बिहेवियर शो होगा। किस तरह से मैं एग्जांपल मान लेता हूं कि भैया H2O है, H2O के आयन कौन कौन से हैं H+ प्लस OH माइनस, ठीक है H+ और OH माइनस। तो क्या होता है H+ ion किससे मिलेगा हमें HCl से या H2SO4 से, ठीक है, और या OH- NaOH से मिल जाए या CaOH का होल बेस इससे मिल जाए, ठीक है कहीं से भी मिल जाए MgOH का होल बेस कहीं से भी किसी बेस से। तो इससे H+ ion मिलेगा, मुझे कौन सा ion मिलेगा H+ ion। तो इस सॉल्वेंट इसका HCl का H2O के अंदर कंडक्टेंस बहुत हाई होता है, क्योंकि क्योंकि H+ की मोबिलिटी, H+ किसका आयन है सॉल्वेंट का खुद का आयन है, सॉल्वेंट का खुद का आयन है, सॉल्वेंट का अगर खुद का आयन हो तो वो अगर सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है, कौन सा है पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, पोलर होने के नेचर में, और प्रोटिक क्या हो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ी होगी। तो HCl और H2SO4 जैसे टाइप के क्या जिनमें H+ होगा और H+ किसका आयन है H2 होगा, उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और मोबिलिटी ज्यादा होने की वजह से इसका कंडक्टेंस बहुत हाई होता है। सिमिलरली NaOH या COH का होल ट्वाइस या NaOH का होल ट्वाइस ये सब देंगे क्या OH- आयन, OH- आयन ये H2O का खुद का भी आयन है, तो खुद का भी आयन होने की वजह से H2O में OH- आयन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, तो कंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। किसका, ऐसी स्पीशीज का जो इसके खुद के आयन देती है इसमें सॉल्यूशन। आप देखते हैं कि मोबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, एक्चुअली इसमें क्या होता है सक्सेसिव प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, या बोलूं मैं सॉल्वेंट एक्सेलरेट करता है प्रोटॉन ट्रांसफर, या मैं बात करूं आयंस को ट्रांसफर को। जैसे एक मान लो मैंने डब्बा है, इसमें क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर कुछ ऐसे होगा ना H O H कुछ इस तरीके से वाटर होगा, ये सारे में वाटर मॉलिक्यूल्स इसी तरीके से स्प्रेड होंगे। यहाँ कुछ इलेक्ट्रोड होगी, समझ लो मान लो तभी तो मैट्रिक सेल होगा, इलेक्ट्रोड होंगी, ठीक है इलेक्ट्रोड होंगी। तो जैसे ही मैंने HCl डाला, जैसे मैंने क्या डाला HCl इसके अंदर डाला यानी H+ आयन डाला, तो ये OH- के साथ क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड निकलने की सोचेगा तो ये तुरंत OH- से जुड़ेगा। तो अगला जो OH H2O का H है वो अगले O से जुड़ने की कोशिश करेगा, और ये H अगले O से जुड़ने की कोशिश करेगा, और ये H+ बाहर चला जाएगा, मुंह पर जाएगा बाहर गया, मुहर बाहर गया तो बाहर नहीं काम करेगा सॉल्यूशन सेम है कि भैया H O H अगर मैंने इसके अंदर OH- आयन डाला तो इसने इस प्रोटॉन के एक्सेप्ट किया, इस OH- ने अगले प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इस OH- ने अगले प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, इस OH- ने अगले प्रोटॉन सॉरी इस OH- ने क्या बाहर मतलब मूव करने लगा, फिर आयन मूव करेंगे अगले प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्या होता है सक्सेसिव ट्रांसफर होता है किसका भैया प्रोटॉन्स वगैरह का, ठीक है प्रोटॉन्स का, और किस केस में होता है सिर्फ ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में होता है। इसके लिए होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट क्या होगा जब पोलर प्रोटिक होगा तभी ये केस मेरा वैलिड होगा, तभी ये मेरा केस वैलिड होगा। और मैं बता दूं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में अगर उसके खुद के आयन मिल रहे हैं जैसे HCl H2SO4 या COH होल ट्राइस NaOH होल ट्राइस ये क्या होंगे भैया ये बहुत जल्दी एक्सेलरेट करेंगे और इनकी कंडक्टेंस बहुत हाई हो, ठीक है। तो ये था हमारा चौथा इफेक्ट। आओ फिफ्थ इफेक्ट देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज नोन एज इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। क्या है इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट इज
इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। सोचो क्या हो कि मैं डाइल्यूट करता चला जा रहा हूँ अपने सॉल्यूशन को, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, आओ देखते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं इसको इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन को दो केसेस में पढ़ूंगा। पहले मैं पढ़ूंगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इफेक्ट ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इस पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या जब मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कर रहा हूं, मैंने माना NaCl के पास NaCl नंबर ऑफ स्टेट NaCl है। अब मैंने NaCl में एक सॉल्यूशन बनाया, इसके बीच में डिस्टेंस इतनी है कि वॉल्यूम कम, आगे क्या होगा जैसे ही मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, क्या वॉल्यूम तो बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब क्या वॉल्यूम बढ़ेगा, तो NaCl की डिस्टेंस बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ाऊंगा और वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो Na+ और Cl- की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो Na+ और Cl- की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगी, तो लाइक और ज्यादा बढ़ जाएगी और वॉल्यूम बढ़ा देंगे। जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन करूंगा तो मेरा क्या हो रहा भैया, Na और Cl के बीच में जो इंटर आयनिक डिस्टेंसेस है वो बहुत दूर चली जा रही है, क्या हो रही है, बहुत दूर चले जा रहे हैं, इंटर आयनिक फोर्सेस दोनों क्या हो रहा है, इंटर आयनिक फोर्सेस क्या होते चले जा रहे हैं भैया, कम होते चले जा रहे हैं, इंटर आयनिक फोर्सेस कम होते चले जा रहे हैं, तो मोबिलिटी मेरी क्या होती चली जा रही होगी, बढ़ती चली जा रही होगी, मतलब क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा कि इन दोनों में अब Na प्लस Cl माइनस को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, Na प्लस अपने आप में फ्री घूम सकता है, इसी तरीके से Cl माइनस अपने आप में फ्री घूम सकता है, तो उनकी मोबिलिटी बढ़ रही होगी, और मोबिलिटी बढ़ रही है तो कंडक्टेंस बढ़ रहा होगा, यानी डाइल्यूशन होने पर जनरली क्या होता है भैया, मेरा कंडक्टेंस बढ़ता है, कंडक्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस होते हैं मेरे पास, कापा लैमिनार यानी मोलर कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा हो गया या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, उन पर क्या क्या फर्क पड़ता है, चलो ये करके हम एक और सबको जानते हैं। पहला मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस पर देखते हैं, इस पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से याद होगी कि मैंने बोला था स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो फिक्स्ड वॉल्यूम का कंडक्टेंस होता है, हमारे केस में 1 ml वॉल्यूम का कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, यानी 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आओ देखते हैं कि भैया 1 ml में मैंने माना इसमें 1 ml और इसमें 4 Na+ है और 4 ही Cl- है, ठीक है, 4 Na+ प्रेजेंट है और 4 ही Cl- प्रेजेंट है, 1 ml के अंदर नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, नंबर ऑफ आयंस मैंने कितने मान लिए 8। अगर मैंने इसका डाइल्यूशन किया, क्या किया इसमें डाइल्यूशन किया, तो इसका वॉल्यूम बढ़ गया होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो गया होगा, 2 ml हो गया होगा, कितना 1 ml डाइल्यूशन किया, अब इसका वॉल्यूम क्या हो गया, 2 ml हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, इसका ओवरऑल वॉल्यूम 2 ml हो गया, मैंने मान लिया कि इसके इस हाफ में ए हाफ में वॉल्यूम 1 ml है और इसके बी हाफ में वॉल्यूम 1 ml है। अब ए हाफ में और यहाँ पहले कितने थे, नंबर ऑफ आयंस 8 आयन थे। सोचो डाइल्यूशन करने पर क्या हुआ, 1 ml के अंदर कम आयन हो गए, नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, और जब भी नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होते हैं तो आयंस नंबर ऑफ आयंस बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, जिस केस में क्या होगा, मेरा कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, कौन सा कंडक्टेंस, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कापा डिक्रीज होगा। देखो अभी मैंने यहां देखा कि कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए पर ये मुझे नहीं पता था कि कौन से टाइप का कंडक्टेंस बढ़ना चाहिए, तो मैं अलग अलग करके देख रहा था कि कौन सा कंडक्टेंस घटेगा कौन सा बढ़ेगा, तो मुझे पता चला जैसे ही मैं डाइल्यूशन करता हूँ, क्या सॉल्यूशन को डाइल्यूट बनाता हूँ, मेरे स्पेसिफिक कंडक्टेंस के साथ क्या सीन होता है, वो तो घट जाता है, क्योंकि वो फिक्स्ड वॉल्यूम का कंडक्टेंस है और उस फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में अब मेरे नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए भैया, कम हो गए हैं, अब नंबर ऑफ आयंस क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, जिसकी वजह से मेरा कापा क्या हो गया है, घट गया। आओ अब देखते हैं भाई कापा क्या हो गया, नंबर ऑफ आयंस घट गया, नंबर ऑफ आयंस घट गया, मोबिलिटी भी घट गई होगी, मोबिलिटी घट गई होगी तो कापा घट गया होगा, आओ इसके लिए नंबर ऑफ आयंस खुद में एक डोमिनेटिंग फैक्टर। अब देखते हैं भाई कि
लैम्डा ई क्यू की अगर बात करें मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर क्या फर्क है एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर फर्क क्या है, यानी लैम्डा एम और लैम्डा ई क्यू टी पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, इनकी डेफिनेशन पे जाओ। लैम्डा एम इज द कंडक्टेंस ऑफ वन दैट मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जिसके अंदर एक मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो पहले भाग में मेरा ए एल था, ठीक है, और इसमें चार एन प्लस थे, चार सी एल माइनस थे, और ये एक एम एल के अंदर एक मोल में कितने थे, हमारे मान लिया एक मोल में कितने थे, आठ माइनस थे। एक एम एल में एक मोल के अंदर कितने आयंस थे, आठ आयंस थे, यानी एक मोल में एक एम एल वॉल्यूम में आ रहा था उसके अंदर आठ आयंस थे, 24%। पर क्या हुआ, जैसे ही मैंने डाइल्यूशन किया, अब क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम तो क्या हो गया, बढ़ गया, पर अब भी मेरा एक मोल में कितना वॉल्यूम हो गया, अब मैंने मान लिया दो मोल, दो एम एल हो गया, तो नंबर ऑफ आयंस तो एक मोल में बढ़ ही रहेंगे, एक मोल के अंदर अब भी नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, आठ आयंस मान लिया, ठीक है भाई, जब मोल सेम है तो नंबर ऑफ आयंस तो सेम हो गया ना, मोल्स के अंदर तो सेम हो, यहाँ तो अमाउंट फिक्स्ड है, यहाँ अमाउंट फिक्स है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, अमाउंट फिक्स्ड है यानी नंबर ऑफ मोल्स फिक्स्ड है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है भैया, कंसंट्रेशन तो नहीं घट रही, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी तो नहीं घट रही, क्योंकि मोलैरिटी क्या होता है एन बाई बी, और बी मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो मोलैरिटी घट रही होगी, मैंने मान लिया कि मोलैरिटी घट रही है, पर मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या हो रहा होगा, देखो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से अब मेरे जो एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है, अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, क्या मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, अब फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूवमेंट बढ़ा है, यानी क्या बढ़ गया, मोबिलिटी बढ़ गई, यानी मोबिलिटी बढ़ गई है, मोबिलिटी बढ़ गई है, तो जिसका रीजन क्या होगा, कंडक्टेंस, क्या कंडक्टेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, कंडक्टेंस क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा, ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ लैम्डा एम इंक्रीज करता है डायमेंशन पर, तो भैया लैम्डा एम इंक्रीज करता है तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न में लैम्डा ई क्यू टी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा डायमेंशन, क्यों, क्योंकि भैया लैम्डा ई क्यू टी डेफिनेशन पर जाएंगे, लैम्डा ई क्यू टी क्या है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ दैट अमाउंट, दैट मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जिसमें अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आ जाए जितने अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है उसको अभी हम लैम्डा ई क्यू टी बोलते थे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बिल्कुल डेफिनेशन पर जाएंगे, बेसिक डेफिनेशन पर, अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट पहले 1 एमएल में आ रही थी, अब 1 ग्राम इक्विवेलेंट 2 एमएल में आ रहे हैं, यानी डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, 2 एमएल में आ गए हैं, तो यानी वॉल्यूम बढ़ गया, अब आयंस और फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो उनकी मोबिलिटी इंक्रीज हो गई, कहीं ना कहीं मोबिलिटी इंक्रीज हो गई है, तो लैम्डा ई क्यू टी क्या होगा, बढ़ गया। देखो अब फाइनल कंक्लूजन क्या है कि भैया डाइल्यूशन में कापा तो मेरा घटेगा, लैम्डा एम बढ़ेगा और लैम्डा ई क्यू टी क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, कितनी अच्छा हो रहा है कि भाई एक टाइप का कंडक्टेंस तो घट रहा है बल्कि दो टाइप का कंडक्टेंस क्या कर रहा है मेरा, बढ़ रहा है, क्या कर रहा है, दो टाइप का कंडक्टेंस बढ़ रहा है। अब यहाँ एक चीज हो रही है कि भैया मेरा लैम्डा एम में मोलैरिटी घट रही है, तो अगर मैं रिलेशन से देखूं कि लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, के इनटू 1000 अपॉन एम, ये वैल्यू घट रही है तो लैम्डा एम बढ़ना चाहिए, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, एक चीज तो यहाँ से पता चल गई, पर दूसरा रीजन ये भी है कि भैया मेरा के भी घट रहा है, के भी घट रहा है, तो के अकॉर्डिंग तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, क्योंकि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा, पर यहां मैं बता दूं कि जो मेरी मोलैरिटी होती है वो ज्यादा स्पीड से घटती है के से, क्या मोलैरिटी डिक्रीज एट मोर रेट देन कापा, जिसकी वजह से क्या कापा कम घटता है और मोलैरिटी मेरी बहुत ज्यादा घटती है, बहुत ज्यादा घटती है, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं कि लैम्डा एम क्या होता है, बढ़ता है, ओवरऑल बढ़ता है, तो यहां देखेंगे एक नोट पॉइंट आ जाएंगे कि मोलैरिटी इंक्रीजेस एट मोर रेट देन कापा, जिसकी वजह से
कापा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने के बाद भी लैमिनाइन बढ़ता है डाइल्यूशन में, ठीक है। तो याद रखिए मेनली कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कापा घटता है, लैमिनाइन लैम्डा इक्विटी बढ़ते हैं, इसमें इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन में डाइल्यूट करने पर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने